कुछ लोग कहते हैं कि बहुएं बुरी होती है, तो क्यों होती है बहुएं बुरी? आपका जो उसके प्रति व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार ही आपके प्रति उसे बुरा बनने पर मजबूर करता है, और सच में एक दिन वो आपके व्यवहार के कारण बुरी बन जाती है। जैसे कि उसके हर एक काम में उसकी कमी निकालना, आज पड़ोस वालों के सामने उसकी बुराई करना, पड़ोस की बहू से उसकी तुलना करना, और अपनी विवाहित बेटी के सामने उसकी बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, उसके मायके वालों पे हमेशा ताने कसना, और जहाँ आप पूरा परिवार बैठकर कोई बात कर रहे होते घर की या फिर कोई फैसला ले रहे होते हैं, तो वहाँ आपकी बहू आ जाती है, तो या तो आप अचानक से चुप हो जाते हैं या फिर बात को ही पलट देते हैं। तो क्यों, बहू बनाकर आप ही तो उसे अपने घर में लाए हो ना, तो क्या फिर आपकी बहू को आपके घर की बातें सुनने का, समझने का या आपके घर के फैसलों में अपनी राय रखने का उसका अधिकार नहीं है क्या? तो बुरा लगे ना साहब तो मुझे दिल से माफ कर देना, लेकिन कोई भी बहू बुरा बनने का अपने मायके से सोचकर नहीं आती है, या फिर उसके माँ बाप उसे नहीं सिखाते कि बेटा तू ससुराल जाकर बुरी बन जाना, क्योंकि बड़े ही अरमानों से हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते, तो वो इस दिन के लिए नहीं कि उनकी बेटी का बसा बसाया घर टूट जाए या फिर उनकी बेटी का तलाक हो जाए और वो वापस उनके घर जाकर बैठ जाए। तो आपसे छोटी सी विनती है साहब कि आप अपनी बहू को अपने घर की बेटी समझो या ना समझो, लेकिन उसे आप अपने घर की दिल से बहू ही समझ लोगे ना, तो यही